धर्मशाला में आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओपीएस के मुद्दे पर बोले पंकज पंडित, बीजेपी सरकार का यहां पर बीजेपी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। जिन्होंने सेना को नहीं छोड़ा वो सरकारी कर्मचारी को क्या छोड़ेंगे, ये सवाल उन्होंने उठाया और कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना पर उन्होंने ये निशाना साधा है। और ओपीएस के मुद्दे पर पंकज पंडित, जिनका ये कहना था कि जब सेना को नहीं छोड़ा सरकार ने तो सरकारी कर्मचारियों को क्या छोड़ेंगे। काम कर रही है और जब हम यहाँ अपना वचनबद्धता पत्र लाएंगे उसमें भी ओपीएस पे जरूर हमारा दृष्टिकोण सामने आएगा। इंतजार कीजिए, चुनावों के साथ ही हम वचनबद्धता पत्र लेकर आप पे आएंगे और उसमें ओपीएस पर भी हमारा जो पक्ष होगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, ये बड़ा नीतिगत निर्णय है। ये हमारी जो चुनाव प्रबंधन समिति है जो अपना वचनबद्धता पत्र लेकर आएगी उसमें हम स्पष्ट कर सकते हैं। मात्र कुछ समय के लिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए मैं किसी भी तरह का बयान इसमें देने के पक्ष में नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिस सरकार ने देश की सेना की पेंशन छीनने की तैयारी की हो क्या वो ओपीएस लागू करेगी? ये जो मेरे प्रदेश में कर्मचारी भाई धरना दे रहे हैं और जिन्हें भाजपा के नेता आश्वासन दे रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं जिन लोगों ने सेना को नहीं छोड़ा वो क्या आम सरकारी कर्मचारी को छोड़ेगा?